राजधानी देहरादून में हर सोमवार को जिलाधिकारी जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि अधिकतर मामले जमीन से जुड़े हुए आते हैं, परंतु आज अधिकतर मामले सीनियर सिटीजन को लेकर आए हैं, जिनको परिवार के लोग ही पीड़ित करते हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सीनियर सिटीजन का ध्यान रखें और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग रूप से टीम बनाई हुई है, जिसमें सीनियर सिटीजन के रहने वाले और रहने खाने की व्यवस्था भी की जाती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी जैसे हमने देखा लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं हर बार बताती हूँ, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरी अपील भी रहेगी सभी को कि एक तो जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान भी रखें, और अगर किसी को किसी तरह से परेशानी है तो वो जनता दरबार में भी आ सकते हैं। और एक भरण पोषण हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसके अंदर वो अगर SDM के यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके क्रम में कोर्ट में एक केस चलता है और डिसीजंस होते हैं। तो यही है कि सब लोग इसमें सेंसिटाइज हों और सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें।